ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ थोरेसिक इनलेट। देखें, थोरैक्स का पहला टॉपिक है जो हम लोग चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, वो है थोरेसिक इनलेट। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो थोरेसिक इनलेट इज बेसिकली, इनलेट का मतलब क्या होता है, एक एंट्री पॉइंट जहाँ से सारी नर्व्स यू नो और वेसल्स थोरैक्स में एंटर करें। ठीक, लेकिन जो क्लिनिशियल्स होते हैं, जो सर्जन्स वगैरह होते हैं, वो उसको थोरेसिक आउटलेट बोलते हैं। उसको थोरेसिक आउटलेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसी रास्ते से बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेसल्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नर्व्स, आर्टरी, हेड एंड नेक की ओर एंट्री मारती हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग थोरेसिक इनलेट बोलते हैं, कुछ लोग आउटलेट बोलते हैं, बट बुक में थोरेसिक इनलेट लेके रखा है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखें, पहली बात हम देखते हैं कि इनलेट किससे किससे मिलकर बना होता है। तो देखें, एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैन्युब्रम स्टर्नाई, ये देखिए, ये मैन्युब्रम स्टर्नाई है, ये स्टर्नम बोन का एक पार्ट होता है मैन्युब्रम स्टर्नाई। ठीक, तो ये अपर बॉर्डर इसका फॉर्म करता है। ठीक, उसके बाद ये देखें, फर्स्ट स्ट्रिप गई, ये भी फर्स्ट स्ट्रिप, बोथ साइड की फर्स्ट स्ट्रिप गई है और जाके जो T1 वर्टिब्री है उससे आके अटैच हो गई है। ठीक, तो इसके लेटरल साइड क्या हुआ, मीडियल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप प्लस इट्स कार्टिलेज। देखें, ये जो आसमानी रंग से बना हुआ है, स्काई ब्लू कलर से, ये इसका कोस्टल कार्टिलेज है रिप का। ठीक है, तो लेटरल बाउंड्री में इसका क्या क्या आएगा, एक तो रिप पूरी आएगी, साथ में उसका कार्टिलेज आएगा। ठीक, पीछे की ओर पोस्टीरियर साइड क्या है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द T1 वर्टिब्रा। लेकिन सिर्फ ऊपर वाला सर्फेस लेंगे क्योंकि हम लोग के पास एंट्री पॉइंट है, तो एंट्री पॉइंट सब ऊपर ऊपर ही होगा। ठीक है, तो इसका सुपीरियर बॉर्डर और इसका भी सुपीरियर बॉर्डर, मतलब और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर सर्फेस ऑफ, मतलब सुपीरियर सर्फेस का एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, सुपीरियर सर्फेस का एंटीरियर बॉर्डर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग की बाउंड्री, किसकी, थोरेसिक इनलेट की। ठीक, इस थोरेसिक इनलेट की जो ट्रांसवर्स डायमीटर होती है वो होती है 4.5 इंचेस, और जो इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होती है वो होती है 2.5 इंचेस। याद करने वाली चीज़ है, अच्छा लगे तो याद कर लेना, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट। देखें, ये हमें इस तरह में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीधा है, बट एक्चुअली सीधा नहीं होता, जो प्लेन होता है कुछ ऐसा होता है। देखें, ये हमारा मान लें मैन्युब्रम स्टर्नाई है, तो जो फर्स्ट स्ट्रिप है वो ऐसे जाती है, ऐसे ऊपर की ओर जाती है और T1 वर्टिब्रा से अटैच होती है, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती है, ऐसे आती है 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक, तो ये जो प्लेन होता है थोरेसिक इनलेट का, ये 45 डिग्री पे होता है विद द हॉरिजॉन्टल, विद बोल दो या विद द वर्टिकल बोल दो, क्योंकि एक ही बात है, 45 डिग्री तो बीच का एंगल होता है। ठीक, प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट इज 45 डिग्री अबव फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, कुछ भी बोल दो। ठीक, अच्छा, यही चीज थ्योरी में लिखी हुई कि प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट स्लोप्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक, स्लोप्स देखो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, देखो जो जो इसका स्लोप है थोरेसिक इनलेट का, वो देखो डाउनवर्ड है, नीचे है और आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, तो फॉरवर्ड है। मतलब देखो ऐसे समझो कि मैं इसको, देखो ये डाउनवर्ड भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है, इसे बोलेंगे डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक, इसे बोलेंगे डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, कि पीछे की ओर वाला स्लोप जा रहा है। तो ये जो प्लेन होता है थोरेसिक इनलेट का, ये ऐसे होता है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक, विद एन ऑब्लिक्विटी ऑफ अबाउट 45 डिग्री। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ द मैन्युब्रम स्टर्नाई लाइज एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ T3। और देखो यही है कि जो अपर बॉर्डर है, ये मैन्युब्रम स्टर्नाई जिसका अपर बॉर्डर है, लाइज एट द लेवल ऑफ T3 वर्टिब्री। ठीक है, तो ये थोरेसिक इनलेट का प्लेन हो गया। ये MCQ क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है कि प्लेन का एंगल कितना होता, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री। थोरेसिक इनलेट के बारे में आएगा तो बस इसकी एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री पूछेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब आते हैं डायाफ्राम ऑफ सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं सिबन्स फेशिया। ठीक, या फिर इसे बोलते हैं सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, तीन नाम है इसके, या तो इसे बोलेंगे डायाफ्राम ऑफ सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर। देखिए, जो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर है, इसी को हम लोग थोरेसिक इनलेट बोलते हैं। सो डायाफ्राम ऑफ थोरेसिक इनलेट, या फिर सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर सिबन्स फेशिया। ठीक, सिबन्स फेशिया, सॉरी। अब देखें, ये फेशिया पहली बात तो होता क्या, सो दिस फेशिया इज नथिंग बट द डीजनरेटेड टेंडन ऑफ स्क्लेनियस मीडियस। एक मसल होती है स्क्लेनियस मीडियस, ठीक, उस मसल का डीजनरेटेड टेंडन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन तो यहीं पे मिल गया कि क्या होता है, स्क्लेनियस मीडियस का डीजनरेटेड टेंडन होता है। ठीक, अच्छा, अब हमें इस फेशिया का अटैचमेंट देखना। अब देखें, ये फेशिया कैसे अटैच होता, तो ध्यान से समझे, मान ले ये है थोड़ा सा इनलेट। ठीक है, तो ये फेशिया ऐसे, और ये है मान लें C1 वर्टिब्री, ये ऊपर थोड़ी सी। ठीक है, ऐसे समझ लो कि मान लो ये है थोरेसिक इनलेट, ठीक, और ये है C1 वर्टिब्री, तो फेशियस के चारों ओर से ऐसे जाता है, ऐसे उठता हुआ और जाके C1 वर्टिब्री से अटैच होता है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा। ये है मान लो C1 वर्टिब्री, तो ये पूरा फेशिया अटैच है, और ये है मान लो मेरा थोरेसिक इनलेट। ठीक, देखो ये डायग्राम भी कुछ हल्का फुल्का दिख रहा है। सबसे पहले से अटैचमेंट ध्यान रखो कि एपेक्स ऑफ सिबन्स फेशिया जो अटैच होता है, वो अटैच होता है टू द टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्री। C7 वर्टिब्री का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, उससे अटैच होता है इसका अपर पोर्शन, और मतलब जो इसका एपेक्स है, और जो इसका बेस है वो अटैच होता है टू द इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। मान लो ये फर्स्ट रिब है, तो इसके इनर बॉर्डर, मतलब अंदर अंदर ऐसे यहाँ पे इनर बॉर्डर पे, ठीक, बेस इज अटैच टू द इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एंड इट्स कोस्टल कार्टिलेज। सिर्फ फर्स्ट रिब पे नहीं, देखें उसके कोस्टल कार्टिलेज पे भी अटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ भी होगा, तो उसको 3D में समझे। ठीक, अच्छा, अब जरा इसको लेटरली देखें, लेटरली देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये C7 वर्टिब्री है, उससे अटैच्ड है ये फर्स्ट स्ट्रिप से, क्या हमारा सिबन्स फेशिया। अच्छा, इसके सुपीरियर रिलेशन में क्या आ रहा है, तो सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन, ये आ रहा है इसके सुपीरियर रिलेशन में। अच्छा, इसके
इन्फीरियर रिलेशन में क्या आ रहा है, तो इसके इन्फीरियर रिलेशन में आ रहा है सर्वाइकल प्ल्यूरा। सर्वाइकल प्ल्यूरा देखो, सर्वाइकल प्ल्यूरा क्या होता है, मैं तुम्हें हल्का फुल्का बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे सच में पढ़ना अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हें कुछ बस रटवा दूँ। देखो ऐसा होता क्या है, देखो एक एक समझ लो एक गुब्बारा था, इस गुब्बारे का नाम था प्ल्यूरा। क्या था इसका नाम? प्ल्यूरा। इसके अंदर मैंने लंग्स भर दी, घुसेड़ दी लंग्स, ठीक, तो लंग ऐसे आ गई, घुसेड़ दी, और ये हमारा प्ल्यूरा ऐसे हो गया, अब कुछ शेप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस गुब्बारे का वो पार्ट जो कि इसके पास है सर्वाइकल रीजन के पास, उसे हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल प्ल्यूरा, ठीक। जो डायफ्राम के पास है उसे बोलेंगे डायाफ्रेमेटिक प्ल्यूरा, ठीक, और जो कोस्टल कार्टिलेज से अटैचमेंट है उसे बोलेंगे कोस्टल प्ल्यूरा, ठीक। तो ये सर्वाइकल प्ल्यूरा क्या है, बस समझ लो प्ल्यूरल मेम्ब्रेन है लंग्स के एपेक्स की। प्ल्यूरल मेम्ब्रेन क्या कुछ अलग चीज़ है? नहीं, जैसे हार्ट को पेरिकार्डियम कवर करती है वैसे ही लंग्स को प्ल्यूरल मेम्ब्रेन कवर करती है, ठीक। तो ये उसी का नाम है सर्वाइकल प्ल्यूरा। देखो एपेक्स ऑफ लंग दिख रहा है, उसके ऊपर की प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसका फंक्शन क्या है फेशिया का? इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो एपेक्स ऑफ लंग है इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग सर्वाइकल प्ल्यूरा एंड बीनीथ विच लाई द एपेक्स ऑफ लंग। इस सर्वाइकल प्ल्यूरा के नीचे क्या एपेक्स ऑफ लंग है, इसको इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक। दूसरा काम क्या करता है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का गला नहीं फूलता है, ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी मुंडी है, ये तुम्हारा धड़ है, ये तुम्हारे और ये तुम्हारा सर है, सॉरी ये हाथ है तुम्हारे, ठीक। तो तुम सांस लेते हो तो क्या ऐसा होता है कि तुम्हारा गला फूल रहा है ऐसे, जब तुमने इंस्पिरेशन किया तो जो तुम्हारा गला था वो फूल गया, फिर तुमने एक्सप्रेशन किया तो जो तुम्हारा गला था वो बैठ गया, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। जबकि सांस तो यहाँ से भी जाती है तो ये क्यों नहीं फूलता? तो उसका रीजन क्या है? सिप्सन फेशिया, इट रेजिस्ट इंट्रा थोरेसिक प्रेशर, ये इंट्रा थोरेसिक प्रेशर को रेजिस्ट करता है, सो दैट द रूट ऑफ नेक, तो जो रूट ऑफ नेक है इज नॉट, सॉरी इज नॉट है, इज नॉट पफ्ड अप एंड डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इज नॉट पफ्ड अप एंड डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं थोरेसिक इनलेट का जो डायग्राम है, कंटेंट है ये पढ़ने वाला, ठीक। अब देखो देखिए कि आप लोग की हालत खराब हो चुकी है कि इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक। ऑब्वियसली बात है, डरने की बात भी है, ठीक। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, फिर कुछ हम लोग अपना हल्का हल्का प्लान बनाएंगे कैसे याद करना है, और फिर याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले आप मेरी बात समझें, ये मान लो आर्क ऑफ एओर्टा है, ठीक, ये मान लो बॉडी की राइट साइड है, ये मान लो बॉडी की लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या होता है, एक मिनट में, ठीक है, हाँ। तो देखो, तो जो लेफ्ट साइड क्या होता है, आर्क ऑफ एओर्टा से दो चीज़ें निकलती हैं, एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक, और एक निकलती है सब क्लेवियन आर्टरी, ऐसे, ठीक। राइट साइड भगवान ने पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने कहा कि अगर सीधे ऐसे ही कॉमन कैरोटिड इस साइड की और सब क्लेवियन आर्टरी इस साइड की बना देंगे तो एमबीबीएस आसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अलग, उन्होंने कहा इससे पहले निकलेगा एक ट्रंक, इसे बोलते हैं राइट ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक, ठीक, राइट ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक, और इससे फिर निकलेगी लेफ्ट, सॉरी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सब क्लेवियन आर्टरी, समझ रहे मेरी बात को? अच्छा तो अब ट्रंक वर्ड सुनकर डरना मत, ट्रंक भी एक आर्टरी ही है, बस नाम दे दिया एक, ठीक। अच्छा अब जो थोरेसिक इनलेट का जो वो होता है ना टीएस, वो यहां से लिया गया है, यहां से। तो जब तुम लेफ्ट साइड देखोगे तब तुम्हें लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी दोनों दिखेंगी, बट राइट साइड की तुम्हें सिर्फ दिखेगी क्या, राइट ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक। बात समझ में आती? इतनी एक चीज, ये चीज हमने समझ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब देखो डायग्राम कैसे बनाए, सबसे पहले तो बनानी वर्टिब्री, ये तुमने बनाई थी वर्टिब्री, वर्टिब्री से अटैच एक मसल होती है लॉन्गेस्ट सर्विसेस, लॉन्गेस्ट सर्विसेस या फिर लॉन्गेस्ट कोलाई भी इसे बोलते हैं, ठीक, लॉन्गेस्ट सर्विसेस या फिर लॉन्गेस्ट कोलाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट धर्म है ईसोफेगस बनाना, ट्रेकिया बनाना, क्या क्या, वर्टिब्री ईसोफेगस, वर्टिब्री ईसोफेगस ट्रेकिया। उसके बाद इन्फीरियर थायरॉयड वेन, इन्फीरियर थायरॉयड वेन, जब आप लोग थायरॉयड ग्लैंड पढ़ेंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा, फिलहाल अभी तो पढ़ नहीं रहे। तो इन्फीरियर थायरॉयड वेन, फिर उसके आगे थाइमस, उसके आगे क्या, थाइमस, और फिर थाइमस के आगे दो मसल, ठीक, एक सबसे पीछे वाली होगी एसटी स्टर्नो थायरॉयड, और उसके आगे होगी स्टर्नो हायोइड। तो इसको मैंने लिख दिया स्टर्नो थायरॉयड, स्टर्नो हायोइड, ठीक। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, वो टिट टी एच, वो टिट टी एच, ठीक। वी से क्या है, वर्टिब्री, ईसोफेगस, ट्रैकिया, इन्फीरियर थायरॉयड वेन, ठीक, फिर थाइमस, फिर स्टर्नो थायरॉयड, फिर स्टर्नो हायोइड। तो हमारा जो ये वाला पार्ट था, सेंट्रल वाला पार्ट, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब ध्यान ये देना है कि इन्फीरियर थायरॉयड वेन जो होगी ये दोनों साइड होगी, वर्टिब्री तो एक ही होती है, ईसोफेगस तो एक ही होता है, ट्रैकिया तो एक ही होती है, बट इन्फीरियर थायरॉयड वेन दो होती हैं, तो एक इस साइड की एक इस साइड की, ऐसे स्टर्नो थायरॉयड स्टर्नो हायोइड एक इस साइड की एक इस साइड की। तो वोटेड टीएच से हमारा पहले तो ये पार्ट कवर हो गया, ठीक। वर्टिब्री से अटैच कौन सी मसल है, लॉन्गेस्ट कोलाई, इतनी समझ में आती है, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट हमें इसमें क्या याद करना है, लंग्स बनाने, पहले तो लंग्स के ऊपर चार तारे बनाने हैं, चार तारे, ठीक, पीला लाल नीला काला, ये वाला, चार तारे बनाने हैं, पीला लाल नीला काला, मैं रंग क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं,
पीला का है वेन, कौन सी वेन है, इन फर्स्ट थोरेसिक नर्व, सॉरी पीला का मतलब नर्व, सॉरी फर्स्ट थोरेसिक नर्व, लाल का मतलब आर्टरी है सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, उसके नीचे फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, फिर जो स्टार बनाया था वो सिंपैथेटिक चेन है, क्या है वो सिंपैथेटिक चेन। अब सिंपैथेटिक चेन से आप बस इतना समझ लो कि बहुत सारे नर्व्स, बहुत सारे सिंपैथेटिक नर्व यहाँ से अराइज होती हैं, ठीक है। तो ये चांद तारे जो थे उसमें ये क्या है भैया, फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ठीक, फिर है इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, फिर है इंटरकोस्टल वेन, ठीक है, पोस्टीरियर भूल जाओ, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल वेन, और ये क्या था हम लोग का फर्स्ट थोरेसिक नर्व, और ये क्या है सिंपैथेटिक चेन, ठीक। तो हमें इतना फिगर याद हो चुका है, ये याद हो चुका है, ये चार और ये लंग्स। देखो मैं इस फिगर पर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये फिगर याद है ट्रस्ट मी थोरैक्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें पहले से भी अपने आप याद हो जाएंगी, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, वरना मैं पागल नहीं हूँ इतना फोकस करूँ एक डायग्राम के चक्कर में, ठीक। ये अगर तुमने फिगर पढ़ लिया थोरैक्स के बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं बहुत मल्टीपल चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक। तो ये सिर्फ यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर वो टीएच हुआ, ये चार चीज़ें याद हो गई, लंग्स में याद हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट साइड क्या होगी, दोनों चीज़ें होंगी, मतलब कॉमन कैरोटिड प्लस सबक्लेवियन दोनों दिखेंगी। तो ये देखो यहाँ पे हमें दिख रही है, देखो ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ये हो गई हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेकिन राइट साइड हमें सिर्फ ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी दिखेगी, सिर्फ ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी बस और कुछ नहीं, ठीक। अच्छा अगली चीज़ याद करो, एक चीज़ होती है थोरेसिक डक्ट, ये लिम्फेटिक डक्ट होती है, ये ध्यान रख लेना, इसको तो भूलना ही मत कि हम लोग कि ये चलती राइट साइड से ट्रैकिया के ऐसे चलती है लेकिन लास्ट में आके लेफ्ट क्रॉस कर जाती है, तो इसलिए लेफ्ट साइड दिखा रही है थोरेसिक डक्ट, ठीक। ये लेफ्ट साइड आके लास्ट में क्रॉस करती है, ये थी थोरेसिक डक्ट, ये क्या होती है, बस लिम्फेटिक डक्ट होती है एक बॉडी की, ठीक है, बॉडी की लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट, इसे बोलते हैं थोरेसिक डक्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो सबक्लेवियन वेन लेफ्ट साइड, सॉरी ब्रैकियोसेफेलिक वेन, सॉरी ब्रैकियोसेफेलिक वेन लेफ्ट साइड की, उस साइड राइट साइड की ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ठीक। अब तुम्हें एक चीज़ याद करनी है, सुनो मेरी बात, देखो एक नर्व होती है वेगस, आपने पढ़ा होगा वेगस नर्व थोरैक्स में से एंटर करती है दोनों साइड से, ठीक। एक और नर्व एंटर करती है फ्रेनिक नर्व, कौन सी, फ्रेनिक नर्व, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये जो ये होती है ना वेगस नर्व, ये एक ब्रांच देती है ऊपर की, इसे बोलते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड से, राइट से नहीं, राइट से देती है, मैंने ये मतलब राइट से देती नहीं, देती है बट इस फिगर में आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो अलग तरीके से आती है, वो तब समझोगे जब हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड अच्छे से, ठीक। फिर आप ध्यान रखना कि वेगस नर्व आती है, ये वेगस नर्व, उसने एक ऊपर के ब्रांच दी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो कि लैरिंग्स को सप्लाई करती है, ठीक, और क्या है लेफ्ट साइड से बस दिखेगी, और फ्रेनिक नर्व लेफ्ट भी दिखेगी राइट भी दिखेगी, ठीक। अब ये देखो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ये रही, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है ये रही, लेफ्ट वेगस नर्व ये रही, बोलो बात समझ में आती है, ठीक। इतना में ध्यान हो गया, वॉटी टीएच याद हो गया, ये चार चीज याद हो गई, लंग्स याद हो गया, हमें थोरेसिक डक्ट सिर्फ लेफ्ट साइड बनाना ये याद हो गया, कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरी ये ध्यान हो गया, उसके अलावा वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये इस साइड बस तुम्हें राइट फ्रेनिक नर्व और राइट वेगस नर्व बस और कुछ नहीं बनाना है, ठीक। इस साइड सबक्लेवियन वेन, सॉरी लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और इस साइड भी राइट ब्रैकियोस, देखो वेन दोनों साइड सेम है, जो भी बवाल है वो आर्टरीज में है, समझ रहे हो, वेन लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक राइट ब्रैकियोसेफेलिक, इतना समझ में आती है। अब तुम्हें दोनों साइड एक आर्टरी बनानी है, इस आर्टरी का नाम होता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो लेफ्ट साइड है वो होगी लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो राइट साइड है वो होगी राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक। ये अगर आपको याद है तो आपको पूरा फिगर याद है इसका, अगर पूरा फिगर याद है तो आपके लिए थोरैक्स बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ, सबसे पहले वोटी टीएच बनाना, वी वर्टिबल कॉलम, इसोफेगस, ठीक, ट्रैकिया, ठीक, फिर था वो टिट, आई से क्या था इन्फीरियर थायराइड वेन, ठीक, फिर था हम लोग का थाइमस, उसके आगे स्टर्नो थायराइड, लंग्स बनाना है, चार चीज़ें बनानी है, एक दो तीन चार, क्या थी ये, फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ठीक, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल वेन, और ये क्या था सिंपैथेटिक चेन, ठीक। यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉमन कैरोटिड बनानी है और उसके साथ में क्या बनानी है हम लोग को सबक्लेवियन आर्टरी, यहाँ पे सिर्फ राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक, यहाँ पे कौन सी वेन लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ठीक, यहाँ पे वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, इंटरनल लैरिंजियल नर्व, यहाँ पे नहीं बनानी इंटरनल लैरिंजियल, ठीक, फिर थोरेसिक डक्ट इस साइड बनानी है और उसके अलावा लास्ट में वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, ठीक। ये फिगर को देखो, मुझे पता थोड़ा टफ है, इसको दो तीन बार आप याद करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक, इसको याद जरूर से जरूर कर लेना, मैं इतना फोकस इसीलिए किया हूँ क्योंकि तुम्हें याद ही करना है ये फिगर, ठीक। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, जितना हो सकता हमने की, बुत्ता भाई आगे तुम देख लेना, ठीक है। तो ये था हम लोग की इसकी वीडियो थोरेसिक इनलेट की, ये सब कंटेंट आपको जुबान से ही याद हो गए होंगे, बाकी बुक्स में भी कुछ लिखे हैं वो पढ़ लेना, ठीक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।
इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय।